चलो सुनेंगे। गुड इवनिंग। तो आज जो नरेशन का अपना टाइप है वो सेकंड है। कल अपन ने टाइप फर्स्ट के बारे में पढ़ भी लिया था, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। टाइप फर्स्ट में अपना क्या था कि जब हमारा सेंटेंस जो ना आपका जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट था वो कैसा था, अफर्मेटिव या निगेटिव था, उस कंडीशन में अपन ने क्या क्या चेंजेस किए थे वो अपन ने सारा विद प्रैक्टिस के कंप्लीट कर लिया है। आज अपना टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड में क्या होगा कि यहां पर जो आपका कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है वो अपने आप में कैसा है, इंटरोगेटिव है। कैसा सेंटेंस है ये, इंटरोगेटिव। लेकिन इंटरोगेटिव होने के साथ साथ ये अपने आप में जो स्टार्ट हो रहा है वो अपने आप में कहां से हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है, यहां पर डू से हो रहा है, यहां पर डिड से हो रहा है। तो हम यहां पर यही पढ़ेंगे, यही देखेंगे सेकेंड टाइप में कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट, यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच कैसा हो, इंटरोगेटिव हो, कैसा हो, यानी कि इंटरोगेटिव हो, कैसा हो, इंटरोगेटिव हो, तथा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, उस कंडीशन में अपन क्या-क्या चेंजेस करेंगे। तो जरा सुने, जब ऐसी कंडीशन होगी कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है वो अपने आप में इंटरोगेटिव है और उसकी जो स्टार्टिंग है वो अपने आप में कहां से हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। हम क्वेश्चन वर्ड वाले की बात नहीं कर रहे। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के आएंगे, एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, दूसरे वो जो अपने आप में कहां से स्टार्ट होंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। बट हमारा ये जो सेंटेंस है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। उस कंडीशन में अपन क्या क्या चेंजेस करेंगे वो हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम इस सेंटेंस को यहां पर सॉल्व करेंगे, इसको जब हम बनाएंगे, तो यहां पर स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होगा, तो यहां जो आपका दिया हुआ है क्या, यानी कि ही दे रहा है, तो यहां पर ही का तो ही होगा। अब उसके बाद पहला जो इंप्रूवमेंट होता है वो कहां पर होता है, सेड टू पर। सेड टू बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब पर। तो हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, तो यहां पर यही देखेंगे। सुने जरा, तो आपका जी जो रहेगा स्टेप कौन सा रहेगा, वन। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि हमारा जो स्टेप वन है, स्टेप वन में हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर मान लो आपके सामने से लिखकर आता है या फिर टेल लिखकर आता है, तो इसको आप चेंज करेंगे कहां पर, आस्क में चेंज करेंगे या फिर अपने आप में इनक्वायर में चेंज करेंगे। कहां पर चेंज करेंगे, आस्क या इंक्वायर में चेंज करेंगे। वहीं पर अगर यहां पर लिख जाता क्या, रिपोर्टिंग वर्ब आपको सेज देता या फिर अपने आप में टेल्स देता, तो आप क्या करते, यहां पर आस्क में भी क्या लगा देते, एस आस्क कर देते, या फिर यहां पर आप क्या करते, इंक्वायर्स कर देते। क्या कर देते, इंक्वायर्स। इसके बाद अगर यहां पर हम देखें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सैड होती या फिर अपने आप में टोल्ड होती, ठीक है ना, ये या फिर यहां पर सेड टू होता, क्या होता, सेड टू होता, तो आप इसको जो चेंज करते वो अपने आप में कहां पर चेंज करते, तो आप इसको बदल देते आस्क्ड में, या फिर आप इसको बदल देते इनक्वायर्ड में चेंज कर देते। तो ये तो आपका कौन सा टाइप हो गया, यानी कि स्टेप हमारा वन हो गया। कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप वन, ठीक है ना ये। अब जरा सुने, इसके अंदर आप जब चेंज करेंगे यहां पर, तो ही के बाद हम यहां सेड टू को क्या कर देंगे, यहां पर आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे। कहां पर कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड में, और उसके बाद मी का क्या रहेगा, मी रहेगा, ठीक है ना ये। इसके बाद हम क्या चेंज करेंगे, तो इसके बाद हमारा हटेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस तरीके से हटाएंगे, तो जरा देखेंगे। तो ये हमारा स्टेप नंबर कौन सा होगा, सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप पर हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर सेकंड, इसके अंदर हम हटा रहे हैं क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो हमारा ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, तो हमारा ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा अपने आप में, या तो इफ से हटाओगे, किससे हटाओगे, इफ से, ठीक है ना ये, इफ, या फिर अपने आप में किससे हटाओगे, यानी कि वेदर से हटाओगे। तो ये आपका इफ या वेदर से चेंज होगा। कहां से चेंज होगा, इफ या वेदर से, ठीक है ना।
इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या होगा। तो उससे पहले सेंटेंस पे पहुंचे कि हम सेंटेंस में क्या हो गया, सुने यहां पर अपन ने क्या कर लिया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लिए यहां पर आपने लिख लिया क्या, इफ लगा दिया, क्या लगा दिया, इफ। तो आपने सेट टू को आस्क कर दिया, मी का मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा इफ से डालिया। अब इसके बाद क्या इंप्रूवमेंट होगा तो उसकी बात कर ली जाए। तो इसके बाद आप करेंगे स्टेप नंबर थर्ड, ये कौन सा होगा, स्टेप नंबर थर्ड। थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहां पर आप लिखेंगे कि इफ या वेदर के, किसके, इफ या वेदर के तुरंत बाद, किसके बाद, इफ या वेदर के तुरंत बाद हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट। इफ या वेदर के तुरंत बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये तो आपको इफ या वेदर के तुरंत बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। इसके बाद हमारा स्टेप नंबर कौन सा, फोर। तो इसको अभी हम लिख लेते हैं। स्टेप फोर पे क्या है, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क को हटाकर, किसको हटाकर, यानी कि क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम यूज करेंगे क्या, यानी कि फुल स्टॉप। क्या लगाएंगे यहां पर, फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट हैं, यहां पर ये फोर टाइप्स हैं, इनको याद रखेंगे आगे बढ़ेंगे, यानी फोर स्टेप हैं, टाइप्स नहीं बल्कि स्टेप हैं, इन्हें हमें याद रखना है। अब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो यहां पर इफ लगा लिया, इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, तो जब सब्जेक्ट आएगा तो उससे पहले ये पर्सन चेंज होगा, क्या होगा, ये पर्सन चेंज होगा। तो जरा सुने, यहां पर पर्सन चेंज करेंगे तो ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, यू सेकंड पर्सन है, केस आपका सब्जेक्टिव है, सेकंड का मैच सेकंड से होता है। अब मी इधर जाएगा तो ये इस यू को क्या कर देगा, आई कर देगा। तो इफ के जस्ट बाद यहां पर कौन आ जाएगा, यानी कि आई आ जाएगा। अब आई के बाद जरा देखो, यहां पर डू लिख रहा है, लेकिन अगर अपन ने देखा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब ये किस टेंस में, ये आपकी पास्ट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में दी है, ये किस टेंस में, पास्ट में, तो डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड होता है। तो यहां पर आपका आ जाएगा क्या, डिड। उसके बाद क्या आएगा, यहां पर नो आएगा कि नहीं आएगा। फिर आपके सामने ये मी, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट का मैच हम किससे करते हैं, फर्स्ट से। तो कहां पर आ गए, ही पर। और ही जब इधर जाएगा तो इसका क्या कर देगा, यानी कि इसका हिम कर देगा। तो आपके सामने यहां पर आ जाएगा हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। लेकिन ये सेंटेंस अभी कैसा है, गलत है। ये गलत क्यों है, ये गलत इस वजह से है क्योंकि यहां पर आपका क्या लिखा है, डिड नो। अब देखो इसमें क्या बात हो गई जो डिड नो में गलत हो गया, सुने इस क्यों गलत है। ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि जब हम सेंटेंस के अंदर डू डज और डिड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, जब हम सेंटेंस के अंदर आपके सामने ये डू हो गया और ये डज हो गया और आपके सामने ये डिड हो गया, इन तीनों का जो यूज है वो अपने आप में कहां पर होता है, इन तीनों का यूज होता है नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। कहां पर होता है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है ना। ये तो इनका यूज जो अपन करते हैं वो अपने आप में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब जरा हमें इतना बताओ, जब इफ के तुरंत बाद आपने सब्जेक्ट लगा दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा दिया, तो सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ। जब अफर्मेटिव हुआ तो डिड नहीं आएगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, डिड को रिमूव करेंगे यहां से और इसको हटाएंगे। तो यहां पर अपन नो को भी हटाकर इसकी जगह पर क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई न्यू हिम हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्लियर है, ये आपका कंप्लीट बनेगा। इतना हो गया कि नहीं हो गया। अगला एक और सेंटेंस देखेंगे, फिर हमारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जरा सुने, यहां पर सुने जरा, यहां पर इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले यहां पर ही रहेगा। सेड टू को आप चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, आस्कड हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, हिम आएगा। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा इफ या वेदर से टाएंगे, ये हटा दिया। अब जरा देखो रिपोर्टिंग वर्ब, इफ या वेदर के तुरंत बाद सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट लगाना है तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, यू आपका सेकंड पर्सन है, केस आपका सब्जेक्टिव है, सेकंड का मैच हम सेकंड से करते हैं, हिम इधर जाएगा तो क्या बनकर जाएगा सब्जेक्ट, और हिम का सब्जेक्ट क्या होगा ही, तो इसके जस्ट बाद आएगा ही। अब जरा देखो बारी किसकी है, वर्ब की। तो हमने यहां पर देखा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी सेड, ये किस टेंस में, पास्ट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इधर हमें डिड वी वन दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि डिड वी वन को हम कहां चेंज कर देते हैं, तो डिड वी वन का अपन कर देते हैं हैड वी थ्री, क्या कर देते हैं हैड वी थ्री कर देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा क्या, हेड आएगा और हेड के बाद इंटेंड का क्या हो जाएगा, इंटेंडेड हो जाएगा, तो ये आपका आ गया हेड वी थ्री। इसके बाद क्या बचा, यानी कि टू, फिर कौन आएगा यहां पर, कम, उसके बाद क्या है बेथ, ठीक है ना, ये बेथ। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, केस कौन सा है ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट का मैच कहां से करोगे, फर्स्ट से, और जब ही इधर जाएगा तो क्या बनकर जाएगा, हिम बनकर जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा ये हिम। तो ये सेंटेंस आपका बन गया और लास्ट में आपने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप, ठीक है ना। ये इतना क्लियर हुआ। अगला एक और सेंटेंस देखेंगे, अभी तो और सेंटेंस हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है अभी। अगला तीसरा सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर थर्ड, इसको जब अपन बनाएंगे यूज करेंगे तो यहां पर सबसे पहले यहां क्या होगा, ही का तो ही रहेगा, सेड टू को अपन ने चेंज किया कहां पर, आस्कड में आ गए, और आगे चल के यहां पर क्या आएगा, हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हम हटाएंगे इफ या वेदर से इफ, इसके तुरंत बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए तो जरा इसके पर्सन चेंज करो, ये फर्स्ट पोजिशन सेकेंड पोजिशन, यू आपका सेकेंड पर्सन, के सब्जेक्टिव, सेकंड का मैच सेकंड से। अब यू तो इधर नहीं आ सकता, हर इधर जाएगा, हर इधर जाएगा तो क्या बनकर जाएगा, सब्जेक्ट, तो ये यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी में, तो हर का सब्जेक्ट होता है सी। अब रिपोर्टिंग वर्ब चेक करो, रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड किस टेंस में, पास्ट टेंस में, तो हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, तो यहां पर आपका आ जाएगा क्या, यानी कि हैड नॉट, या हैडंट बोल दो, या हैड नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर सीन का सीन रहेगा। अब बचा कौन, दिस, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो दिस का क्या होगा, दैट होगा, उसके बाद यहां पर क्या आएगा, मूवी, तो ये आ गया दैट मूवी, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है ना। ये चाहे आप हैडंट बोलो या हैड नॉट सीन बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। मुकुल प्रताप सिंह, अंकेश रावत, वेरी गुड। अगला देखो, नेक्स्ट फोर नंबर का सेंटेंस, ठीक है ना, बना भी दो, कमेंट भी करो बनाकर क्या बनेगा, ठीक है ना, साथ ही साथ कमेंट भी करते रहो बनाकर। देखो जरा अगला सेंटेंस, इसको चेक करोगे बनाओगे तो यहां पर सी का तो सी रहेगा, सेड टू को आप चेंज कर दो आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में, उसके बाद द गर्ल का क्या रहेगा, द गर्ल रहेगा, फिर आपका कॉमा इनवर्टेड कॉमा इफ या वेदर से टाइंग ये हटा दिया, तुरंत बाद सब्जेक्ट चाहिए, तुरंत बाद सब्जेक्ट चाहिए तो ये फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, यू आपका सेकंड पर्सन के सब्जेक्टिव, सेकंड का मैं सेकंड से, गर्ल मतलब सी, गर्ल मीन क्या है सी, सी इधर जाएगा तो यू का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो इफ के बाद आ गया सी। अब जरा देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, पास्ट में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया है, इधर डिड बी वन दे रहा है तो डिड बी वन का क्या हो जाएगा, हेड वी थ्री, डिड बी वन कहां चेंज हो जाता है, तो डिड बी वन यहां पर सेकंड फॉर्म, ये आपकी चेंज होती है हेड प्लस वी थ्री में, तो यहां पर आप क्या चेंज करोगे, सी हेड, और इसमें डू का थर्ड डन, और आगे दिस का पास्ट क्या हो जाएगा, दैट, लास्ट में फुल स्टॉप, ये बन गया, ठीक है ना। अभिषेक शर्मा, अंकुश प्रजापति एंड आरपीएफ, आकाश बघेल, राहुल प्रजापति, वेरी गुड। चलो देखो नेक्स्ट सेंटेंस, अगला एक और देखें,
आपके सामने सेंटेंस नंबर 5 आंसर दे सकते हैं क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले इसको चेक करो, इसको बनाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आएगा द न्यू स्टूडेंट, तो ये लिखा आपने द न्यू स्टूडेंट। उसके बाद क्या होगा, आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा। फिर उसके बाद द ओल्ड वन, तो यहां पर आएगा द ओल्ड वन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा इफ या वेदर से इफ लगा दिया। तुरंत बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट द न्यू स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन, ओल्ड वन सेकंड पोजीशन, ठीक है ना ये। तो आगे चल के क्या दे रहा है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, केस कौन सा है, सब्जेक्टिव, सेकंड का मैच सेकंड से, मतलब न्यू स्टूडेंट से पुराने स्टूडेंट से कहा है, ठीक है ना, पुराने से कहा है। तो जरा देखो यहां पर ओल्ड मतलब पुराना वाला, तो इसका सब्जेक्ट भी कौन है, ही, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ही। अब आगे चल के देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में दे रहा है, पास्ट में। जब ये पास्ट में दिया हुआ है तो यहां पर डू बी वन आ रहा है, क्या आ रहा है, डू बी वन। तो हम जानते हैं डू डज का पास्ट डिड होता है, क्या होता है, डिड। लेकिन यहां पर डिड नो लिख दोगे तो सेंटेंस अपना अफर्मेटिव चेंज हो रहा है, और हमें पता है डिड आता है निगेटिव और इंटेरोगेटिव में। जब क्वेश्चन मार्क हटा दोगे तो इंटेरोगेटिव रहा नहीं, सेंटेंस के अंदर नॉट लगा नहीं है, निगेटिव है नहीं, तो क्या करोगे, डिड को हटाकर नो में सेकंड फॉर्म कर दोगे तो न्यू हो जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या दे रहा है, माय फर्स्ट पर्सन है, केस कौन सा है, पजेसिव एडजेक्टिव, फर्स्ट का मैच किससे होगा, फर्स्ट से, स्टूडेंट मतलब भी ही, तो यहां पर ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, हिज, और आगे चल के जुड़ जाएगा क्या, नेम, लास्ट में फुल स्टॉप, इसका ये बन जाएगा, ठीक है ना ये। अरे मनीष हेड नहीं आएगा, हेड वी थ्री नहीं होगा, हेड वी थ्री तब होता है जब सेंटेंस के अंदर डिड वी वन दिया हो, जब डिड वी वन होता है उधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तभी हम हेड वी थ्री लगाते हैं, अदरवाइज हमें क्या करना है, डू डज का पास्ट डिड होता है। लेकिन डिड यहां पर इसलिए नहीं लिखा जा रहा क्योंकि सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव रहता या नेगेटिव रहता तो हम डिड यूज करते, अदरवाइज हमें नहीं यूज करना है, डिड को निकाल कर वहां पर सेकंड फॉर्म यूज करना है, ठीक है ना ये। अगला देखोगे, नेक्स्ट सुने, सिक्स नंबर का सेंटेंस देखो, तो यहां पर सबसे पहले आएगा कौन, गोपाल, सेड टू को चेंज करोगे आप कहां पर, आस्क्ड में। उसके बाद कौन आएगा, मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा किससे हटाओगे, इफ या वेदर से, तो इसको हटा लिया किससे, इफ से। तुरंत बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो यहां पर देखो पोजीशन चेक करो, गोपाल फर्स्ट पोजीशन, मी सेकंड पोजीशन, यू आपका सेकंड पर्सन, के सब्जेक्टिव, सेकंड का मैच सेकंड से, मी इधर जाएगा तो सब्जेक्ट बनकर जाएगा, और मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, ठीक है ना। अब देखा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, पास्ट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो कैन का पास्ट क्या होगा, कैन का पास्ट कुड होगा। उसके बाद यहां पर क्या आएगा, डू का डू रहेगा। अब जरा देखो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में है तो दीज का पास्ट क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, दीज का पास्ट दोज। उसके बाद क्या आएगा यहां पर, सम्स, तो दोज सम्स फॉर, फॉर के बाद मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट का मैच किससे करते हैं, फर्स्ट से, आ गए गोपाल के पास, गोपाल इधर जाएगा तो क्या बनकर, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो यहां पर आ जाएगा फॉर हिम, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है ना ये। तो आई कुड दो सम्स फॉर क्या आ जाएगा, राहुल प्रजापति डूबी साथ में रखो बेटा, डूबी साथ में रखो, और अंकेश रावत डन नहीं होगा, कुड के साथ बीवन ही आएगा, ठीक है ना, डन नहीं होगा, कुड के साथ बीवन ही आएगा। मनीष गुर्जर आप भी वही गलती दोहरा रहे हो, कुड के साथ डन लगा रहे हो बेटा, बीवन ही आता है, कैन कुड मे माइट सभी मॉडल वर्ब के साथ, सभी मॉडल वर्ब के साथ बी वन ही यूज होता है, ठीक है ना।
आपको जितना बोला है उतना ही छेड़छाड़ करो सेंटेंस में, ज्यादा नहीं करना है। कोई बात नहीं, क्लियर है ना? चलो ठीक है। हाँ जी, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, चाहे कैन हो या कुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, चाहे आपका सेल हो, चाहे सुड हो, चाहे बुड हो, चाहे आपका बिल हो, सभी के साथ वी वन यूज करना है, ठीक है ना? मेन वर्ब में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। चलो अगला देखें, नेक्स्ट सेंटेंस पर पहुंचो। अभी आपके सामने सेंटेंस नंबर 7, इसका आंसर दो जरा। तो यहां पर सबसे पहले आएगा द टेलर, टेलर के साथ क्या आ दिया, सेड टू को चेंज करो आस्क्ड में, आस्क्ड के बाद आएगा यहां पर हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा इफ या वेदर से, तुरंत बाद सब्जेक्ट चाहिए, पोजीशन चेक करेंगे, द टेलर फर्स्ट पोजीशन, हिम सेकंड पोजीशन, यू सेकंड पर्सन के सब्जेक्टिव, सेकंड का मैच किससे होगा, सेकंड से, हिम इधर जाएगा सब्जेक्ट बनकर, हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो बिल का पास्ट क्या करोगे, बिल का पास्ट वुड कर दोगे। उसके बाद यहां पर क्या दे रहा हैव, तो यहां पर हैव आ गया। फिर क्या है यहां पर, द सूट, तो यहां पर आपने क्या लगाया, द सूट आ गया। आगे चल के रेडी है, रेडी के बाद क्या लिखा हुआ है, बाय, बाय के बाद क्या लिखा रहा है, टुमारो इवनिंग, टुमारो इवनिंग को कहां चेंज करेंगे, द नेक्स्ट इवनिंग में, तो यहां पर आ जाएगा आपके सामने, यानी कि द नेक्स्ट इवनिंग, ठीक है ना? ये तो ये आपके सामने आ गया। लास्ट में फुल स्टॉप, द नेक्स्ट डे इवनिंग नहीं, द नेक्स्ट इवनिंग। क्लियर हो गया ना? चलो अगला देखें, नेक्स्ट सेंटेंस सुनो। चलो देखें अगला, नेक्स्ट आपके सामने सेंटेंस ये दिया हुआ है, डू यू वांट सम मोर स्वीट्स आस्क्ड माय फ्रेंड। अब जरा देख लो यहां पर क्या हो रहा है, टुमारो का ये लिखा हुआ है, टुमारो तो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, लेकिन टुमारो इवनिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टुमारो इवनिंग की, ठीक है ना? ये अगला देखो, टुमारो इवनिंग की बात कर रहा है, ठीक है ना? ये अगला सुने, यहां पर सबसे पहले बनाएंगे तो इसका आएगा सबसे पहले आपके सामने कि माय फ्रेंड, तो यहां पर आपने यूज किया माय फ्रेंड, ठीक है ना? ये उसके बाद यहां पर आस्क्ड का आस्क्ड रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा इफ या वेदर से हटा दिए। अब जरा देखो इसके अंदर दे रहा है सब्जेक्ट कौन है, यू, यू सेकंड पर्सन है के सब्जेक्टिव है, सेकंड का मैच सेकंड से करते हैं, बट सेकंड दिया नहीं है, जब दिया नहीं है तो अपन क्या करते हैं, मिया हिम मान लेते हैं। जब मिया हिम मानोगे तो आपने मान के चले, यहां पर अगर मी मान लिया तो मी मानने पर तो यू चेंज हो जाएगा आई में, और अगर हिम मान लिया तो ये चेंज हो जाएगा ही में, ठीक है ना? ये उसके बाद क्या हो जाएगा, डू का पास्ट डिड होता है, डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड किस टेंस में, पास्ट में, तो डू का पास्ट डिड होता है, लेकिन डिड रहेगा नहीं क्योंकि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो रहा है। तो यहां पर सीधा वांट का क्या कर दोगे, वांटेड, क्या कर देंगे, वांट का
वांटेड उसके बाद आ जाएगा यानी कि सम यानी कि मोर स्वीट्स। तो आपके सामने ये आ गया सम मोर क्या हो गया स्वीट्स लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है ना, ये अंकुश वांट नहीं होगा वांटेड होगा, पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस है। ठीक है, अंकुश आप भी वांट नहीं होगा वांटेड होगा। चलो देखो नेक्स्ट सेंटेंस पर जाएं। अगला सेंटेंस यहां पर दे रहा है रीना सेज टू मी कैन यू गिव मी योर पेन, इसका आंसर देंगे। तो यहां पर सबसे पहले हाँ जी ही भी लगा के सही है, या तो आप मी मानोगे या हिम, अगर हिम मानोगे तो ही हो जाएगा, मी मानोगे तो आई हो जाएगा, दोनों सही है पर्सन, लेकिन हमें ऑप्शन पे करने के लिए अलर्ट होके रहना है। हिम भी आ सकता है और आपका मी भी आएगा, तो यू ही में भी कन्वर्ट हो जाएगा, आई में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आकाश बघेल आई कैसे आया, आई ऐसे आया आप लेक्चर वन देख लोगे, आप नरेशन का लेक्चर वन देखोगे जिसके अंदर पर्सन चेंज करना ही बताया है, तो वहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे आया। अगला देखो यहां पर आ जाएगा रीना, उसके बाद सेज टू, सेज टू को चेंज करेंगे आप किस में आप्स में, उसके बाद आएगा मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ या वेदर से, तुरंत बाद सब्जेक्ट चाहिए, ये तो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, यू सेकंड पर्सन के सब्जेक्टिव, फर्स्ट का मैच के सेकंड का मैच सेकंड से, मी इधर जाएगा तो सब्जेक्ट बनकर मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई। अब जरा इधर देखोगे ये सेज रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो कैन का कुड करने की जरूरत नहीं है बेटा, तो यहां पर कैन का क्या रहेगा कैन ही रहेगा, उसके बाद गिव, आगे चल के दे रहा है मी, फर्स्ट पर्सन केस कौन सा ऑब्जेक्टिव, योर कौन सा सेकंड पर्सन केस पजेसिव एडजेक्टिव, तो यहां पर फर्स्ट का मैच किससे होगा फर्स्ट से, तो इस मी को लेके जाओ कहां पर रीना, रीना बोले तो सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर, तो मी कन्वर्ट हो जाएगा किस में हर में, आगे चल के योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो ये जाएगा दौड़ के फिर से मी के पास, और मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा माय, और आगे चल के पेन लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है ना, ये फ्लो फ्लो में गलती नहीं होना है, बिल्कुल चेक करके सेंटेंस का आंसर दोगे। ठीक है ना, यही चीज है, तो हमें ऑप्शन पर हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगी, यही चीज है आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है या पास्ट है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम ऑप्शन पर करना ध्यान ऑप्शन पे करना आसान होगा, क्योंकि कल की प्रैक्टिस में आपने देख लिया था। अगला देखो यहां पर इसको बनाएंगे तो ही होगा, सेज का क्या हो जाएगा आर्स हो जाएगा, उसके बाद आपके सामने क्या आ जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ या वेदर से, तुरंत बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो ये फर्स्ट पोजीशन है, यू सेकंड पर्सन है, के सब्जेक्टिव है, सेकंड का मैच सेकंड से करते हैं, बट यहां पर सेकंड दिया नहीं है, तो या तो मी मानो अपनी तरफ से या हिम मानो, अगर मी मानोगे तो ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हिम मानोगे तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेज प्रेजेंट है, सेज क्या है प्रेजेंट है, तो यहां पर क्या करोगे, अगर आपने आई माना है तो इसका आंसर इस तरीके से होगा, देख लो, तो आई मानोगे तो यहां पर हो जाएगा आई स्टडी, और यहां पर आ जाएगा क्या डेली, लास्ट में फुल स्टॉप। अगर आप इस जगह पर ही हिम मानते हो तो यहां पर हो जाएगा ही स्टडीज, क्या हो जाएगा ही स्टडीज, आगे हो जाएगा यहां पर डेली, दोनों में से आपने जो भी माना है
ठीक है ना ये? वेरी गुड अभिषेक शर्मा, बहुत अच्छे। अंकुश प्रजापति, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो ये आपके सामने टाइप नंबर कौन सा था, सेकंड, जिसको हमने कर लिया बिल्कुल फिनिश, ठीक है ना। टाइप सेकंड हमारा हो गया फिनिश। अब हम बात करेंगे कल इसकी प्रैक्टिस की। कल प्रैक्टिस हम इस टाइप टू की ही करेंगे। किसकी करेंगे? टाइप टू की। टाइप टू अपना क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। चौथा स्टेप यही है, क्वेश्चन मार्क हटाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप ही लगाना है, क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप ही लगाना है। आपका ये टाइप टू कंप्लीट हुआ। कल हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपन एक नया थर्ड टाइप लेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। अब बात कर लो थोड़ा किसकी। अरे क्यों सर, क्यों सर? इसलिए होगा बेटा, यहां पर देखो एपीआर वेदर के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगा रहे हो। सब्जेक्ट के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो सेंटेंस इंटरोगेटिव कहां रहा? सेंटेंस इंटरोगेटिव तब होता है जब आप हेल्पिंग वर्ब को कहां लगाते हो? सब्जेक्ट से पहले लगाते हो। क्या आपने दो सभी सेंटेंसों में जब इनडायरेक्ट में लेकर जा रहे हो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख रहे हो क्या? नहीं रख रहे ना। इफ या वेदर के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगा रहे हो फिर वर्ब लगा रहे हो, तो सेंटेंस तो अफर्मेटिव में जाकर चेंज हो रहा है। जब अफर्मेटिव बन रहा है तो क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा? फुल स्टॉप आएगा। इंटरोगेटिव सब सेंटेंस तब होता है जब कंडीशन ये क्रिएट हो, ठीक है ना। ये टेस्ट आपका इसी का होगा। टेस्ट होगा आपका, सुने, टेस्ट एक्टिव पैसिव प्लस नरेशन जहां तक पढ़ा देंगे वो, ठीक है ना, दोनों आएंगे मिक्स। बिल्कुल पैसेज भी सॉल्व कराएंगे, पैसेज भी, टेंशन फ्री रहो, पैसेज भी कराएंगे। अब जरा बात कर लो बुकैप की, ठीक है ना, पैसेज भी कराएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहो, पैसेज भी आएगा। मिक्स्ड प्रैक्टिस अभी नहीं होगी, पहले आप इतना सीख लो, ठीक है ना। मिक्स प्रैक्टिस होगी लास्ट में, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। अभी वन बाई वन टाइप करके प्रैक्टिस में लेंगे। अब जरा सुने, पहला दे रहा है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब है अत्यंत कठोर, एक्सट्रीमली क्या दे रहा है? सेवियर दे रहा है। यहां पर जरा देखें इस मीनिंग को, जब हम ब्रेक करें तोड़ें तो ड्रैकोनियन को हम कैसे याद रखें कि इसका मतलब अत्यंत कठोर ही होता है, तो लॉन्ग टाइम याद करने के लिए इसको आसानी से याद हो जाए, ठीक है ना। ये तो जरा देखो, यहां पर सबसे पहले ड्रैकोनियन दे रहा है। ड्रैकोनियन को जब हम देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले आ रहा है क्या? ड्रैको कन्वर्ट करो ड्राई से। किससे कन्वर्ट करें इसको? ड्राई से, ठीक है ना। ये आपके सामने आ गया ड्राई, प्लस आपके सामने ये बनेगा ओनियन। ड्राई प्लस क्या आ रहा है? ओनियन आ रहा है। ओनियन बोले तो क्या होता है? यानी कि प्याज होता है। तो प्याज अपने आप में कैसी है? सूखी हुई है। ओनियन का मतलब क्या होता है? प्याज, ठीक है ना। ये तो अगर आप जैसे सब्जी बनाते हो तो प्याज अगर क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो उसको काटना हमारे लिए क्या होता है? अत्यंत कैसा होता है? डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो कठोर हो जाती है। तो एक्सट्रीमली क्या हो जाता है? सिवियर, अत्यंत कठोर हो जाती है। तो ड्रैकोनियन को बदल दो किसमें? ड्राई प्लस ओनियन से याद कर लो। तुम्हारा ये आरपीए, तुम पहले तो अपना नाम सही करो, ये उल्टे सीधे नाम रख लेते हो, ठीक है ना। अगला देखो, यहां पर दे रहा है ड्रेन, और तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? स्टडीड क्यों करोगे वहां पर सेंटेंस में? जब तक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं, कैसे करोगे? अगला देखो, पहले मीनिंग याद कर लो फिर बता देंगे कैसे आएंगे एग्जाम में।
ड्रेन का मतलब क्या होगा, सुने यहां पर दे रहा है आपका डी, ड्रेन को याद रखने के लिए इसको बना दो डी प्लस, क्या बना दे रेन, तो डी प्लस क्या आ गया रेन, क्योंकि यहां पर रेन छिपा हुआ है, रेन यानी कि बारिश, तो इसके अंदर क्या छिपा हुआ है रेन यानी कि बारिश, ठीक है ना। ये तो द प्लस क्या दे रहा है रेन, रेन का मतलब होता है क्या बारिश होता है, सुने जरा, तो बारिश इसका मतलब बहा देना या नाला होता है, देखो जरा, तो रिमूविंग क्या दे रहा है थिंग्स यानी कि किसी चीज को बहा देना, जब ये वर्ब का काम कर रहा है तो, जब ये नाउन का काम करेगा तो पाइप सेम क्या होगा सेवेज होगा यानी कि नाला होगा। अब जरा देखो ड्रेन को याद कैसे रखेंगे, तो डी प्लस रेन, रेन मतलब बारिश, जब बारिश होती है तो जो पानी है बारिश का वो कहां से नाले के माध्यम से क्या हो जाता है पानी पूरा बह जाता है, तो पानी क्या हो जाता है रेन में ड्रेन हो जाता है, तो यानी कि उसको बहा देना या नाला होता है, ड्रेन को ऐसे याद करोगे। अगला देखो, नेक्स्ट आपके सामने दे रहा है ड्रिजल, ड्रिजल का मीनिंग अगर हम देखेंगे तो ड्रिजल का मीनिंग होता है बूंदाबांदी होना, रेन इन वेरी स्मॉल लाइट ड्रॉप्स, ठीक है ना, सुने, तो इसको जब हम देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले ड्रेन को ड्रिजल को कन्वर्ट करेंगे, तो इसको बना लो ड्रिजल आपका बन जाएगा सीधा किससे, डीजल से कन्वर्ट कर दो, कहां से कन्वर्ट कर दो डीजल से, ठीक है ना। ये अब जरा सुने, तो ड्रिजल बोले तो क्या हो गया डीजल हो गया, ड्रिजल को कहां से कन्वर्ट किया डीजल से। अब जरा देखो, जब आप कभी भी पेट्रोल पंप पे गए हो, पेट्रोल डलवाने के लिए अपन जब जाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो वहां पर देखा होगा उसमें एक लोगो टाइप का स्टार्टिंग में बारी छपा रहता है, उसमें क्या रहता है यानी कि डीजल का जो पाइप होता है वो होता है नीचे बूंद टपक रही होती है, तो वहां पर जब बूंद टपक रही होती है तो ऐसे होता है जैसे बारिश में बूंद टपकती है, तो ड्रिजल का मतलब क्या है बूंदाबांदी होना, ठीक है ना, वहां से क्या नजर आती है अपन को बूंद नजर आती है, तो ड्रिजल यानी कि बूंदाबांदी होना, ठीक है ना। ये ऐसे याद कर लो इसको, बिन डीजल से कैसे याद कर लोगे तुम तो? अगला देखो, नेक्स्ट आपके सामने दे रहा है ड्रॉसी, तो जरा देखो ड्रॉसी का मतलब है झपकी यानी कि स्लिपी, ठीक है ना। ये इसको जरा देखें, तो ड्रॉसी यानी कि यहां पर सबसे पहले लास्ट में तो आ रहा है अपने सामने दिख रहा है यहां पर सी, अब झपकी से कैसे कन्वर्ट करें, तो डी को यहां पर बना दो ब्रो, क्या बना दें यहां पर ब्रो बना दें, ब्रो का मतलब क्या होता है भौं, क्या होता है ब्रो का मतलब भौं होता है, ठीक है ना। ये तो भौं क्या होती है आपकी ब्रो होती है, ठीक है ना, सुने, तो आईब्रो होती है जो भौं होती है आपकी। अब देखो ब्रो प्लस सी, जब सामने किसी भी व्यक्ति को यानी कि उसकी जो ब्रो है वो अपन को दिखती है कैसे, जैसे मान के चले जैसे आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, सामने कोई व्यक्ति को झपकी आ रही है, थोड़ा वो नींद में जा रहा है, तो वहां पर क्या होता है उसकी पलके जब झपकी आती तो क्या हो जाती है क्लोज हो जाती है, तो आई को जो ना वो आईब्रो क्या कर लेती है ढक लेती है कवर कर लेती है, तो हमें नजर कौन आता है केवल आईब्रो नजर आती है वही दिखती है, तो इसका मतलब है ये स्लीपी हो रहा है, मतलब झपकी ले रहा है, जब किसी की आई हमें नजर ना आए केवल आईब्रो ही नजर आए तो हम समझ जाते हैं इसको नींद आ रही है, ये झपकी ले रहा है, ठीक है ना। ये पलक, सुने जरा, अगला दे रहा है ईव, ईव का मतलब है घट जाना यानी कि पीछे हटना यानी कि रिसीड। अब जरा देखो ईव से ईव को कन्वर्ट कर दो अब से, ईव यानी कि अब जरा समझे, ईव को कन्वर्ट कर दिया किससे अब से। अब जरा सुने, यहां पर क्या होता है जैसे मान के चले आप कोई वर्क कर रहे हैं काम कर रहे हैं, अब काम को लेकर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं स्टडी पढ़ाई, भले ही वैकेंसी को हमारा पूरा बनावर हो गया है लेकिन बनावर की आपकी पढ़ाई हो गई है, तो अब आप क्या है ना पढ़ने से पीछे नहीं हट सकते, अब आप बोलोगे कि भाई अब कुछ भी हो जाए अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब वैकेंसी आएगी तो उसको फोड़ना ही है, तो अब पीछे नहीं हटना है, ईव को कन्वर्ट कर लिया अब, क्योंकि अब एक साल हो गया पढ़ते पढ़ते अब पीछे नहीं हट सकते, अब हम छोड़ नहीं सकते, तो इसको कन्वर्ट किया अपन ने किससे यानी कि ईव को अब से। ये मीनिंग हो गई अपनी कंप्लीट, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी का कल आप सेकंड टाइप बिल्कुल पढ़कर आओगे एक एक पॉइंट, और उसके आंसर भी आप कमेंट करोगे, कोशिश करो ना
कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। थैंक यू सो मच।